वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो लगातार सीमा पर यह तनाव जारी है भारत और चीन के हालिया तनाव को देखते हुए, और आसान तरीके से हम आपको इसको समझा देते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल कंवल ने दरअसल समझाने की कोशिश की है किस तरीके से इस वक्त घुसपैठ है चीनी आर्मी की LAC पर। आप भी देखिए और अच्छी तरह से पूरे मामले को समझ लीजिए। ये असल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन की सीमा है, वहाँ पर स्थिति क्या है, आइए अगले कुछ मिनट में हम अपने दर्शकों को ये समझाते हैं। ये जो पीली लाइन है, ये है नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये इस तरफ पर भारत है, उस तरफ पर पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ये है जम्मू का इलाका, ये है कश्मीर घाटी का इलाका, और यहाँ पर है लद्दाख का इलाका। ये जो डॉटेड काली लाइन आप देख रहे हैं, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि भारत की सेना इस तरफ है और चीन की सेना उस तरफ है। यह है अक्साई चिन, जो कि वैसे तो भारत का इलाका है, लेकिन इस वक्त चीन ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। और इसके बीचों बीच है ये पेंगोंग सो लेक, इसको मैं आपको थोड़ा तफसील से समझाता हूँ। ये भारत की सबसे बड़ी झील है, कुल मिला के 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जहाँ पर इसकी चौड़ाई का सवाल है। 5 किलोमीटर चौड़ी ये झील है। ये वाला जो इलाका है, ये भारत का इलाका है। झील के उस पार का जो इलाका है, वो चीन का इलाका है। इस इलाके को इसकी दक्षिण तट कहते हैं, यानी कि ये सदर्न बैंक का इलाका है। जो ऊपर का इलाका है, उसको नॉर्दर्न बैंक, यानी कि जो इसका उत्तरी तट है। और यहाँ पर इस झील के लगभग बीचों बीच है फिंगर फोर, जिसको लेकर पूरा फसाद इस वक्त चल रहा है। असल में मामला क्या है, आइए मैं अब आपको अगले नक्शे में दिखाता हूँ। ये बहुत अहम नक्शा, और अगर आप 2 मिनट मुझे देंगे, आपको समझ में आएगा कि असल में चल क्या रहा है। ये है फिंगर एक का इलाका। फिंगर क्यों? क्योंकि यह है पहाड़, पहाड़ की यह है उंगली, और उंगली पर है फिंगर वन। इसको भारतीय सेना की टर्मिनोलॉजी में फिंगर वन कहा जाता है। यह है फिंगर टू, यह है फिंगर थ्री, यह है फिंगर फोर। अब जो नीली ये लकीर आपको दिख रही है, ये इलाका भारत के कब्जे में है, और ये एक सड़क है जो कि भारत ने बनाई हुई है, और यहाँ पे हमारी सेना गश्त करती है, हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो चला करती हैं। ये है फिंगर फोर का इलाका, फिंगर फाइव, फिंगर सिक्स, फिंगर सेवन और फिंगर एट। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए क्योंकि भारत का मानना है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो फिंगर एट तक चलती है। ये जो आप लकीर देख रहे हैं, ये लकीर है भारत के हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये पूरा फसाद असल में है क्यों, वो इसलिए क्योंकि चीन का मानना है कि ये वाली जो लकीर है, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि इसके बीच का जो इलाका है वो विवादित स्थल है, जहां पे ये तय नहीं हो पा रहा है भारत और चीन के बीच में, क्योंकि नक्शा भी फाइनलाइज नहीं हुआ है कि ये किसकी जमीन है। तो साधारण तौर पे हमारी जो सेना है वो भी यहाँ पे गश्त करती है, चीनी सेना भी गश्त करती है। और अक्सर कई बार क्या होता है, जब ये यहां से हिंदुस्तान की सेना की टुकड़ी निकलती है, यहां से चीन की सेना की टुकड़ी निकलती है, तो इनके बीच में क्लैश हो जाता है। कई बार हमारी जो बोट्स हैं, ये मोटर बोट्स हैं, काफ़ी स्पीड से चलती हैं, तो ये मोटर बोट भी हमारी जाती है फिंगर एट तक गश्त लगाने के लिए, और इसी तरीके से चीन की बोट भी फिंगर फोर तक आती है। पिछले कुछ हफ्तों में क्या हुआ, जब पूरा कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा था, तो भारत की सेना को कहा गया था कि आपको फिलहाल जो आपकी साधारण समर टाइम एक्सरसाइज है वो नहीं करनी, ताकि कोरोना वायरस फैले नहीं। इस चक्कर में हमारी जो सेना थी वो अपनी समर एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। तो चीन की जो सेना है, ये है श्रीजेप 1-2, ये चाइनीज बेस है, चाइनीज पोस्ट हैं, और यहाँ पर इनकी कंपनियाँ हैं। तो ये जो चाइनीज पोस्ट से आगे इनका एक बेस कैंप है, तो चाइनीज आर्मी ने क्या किया, आते आते वो फिंगर फोर पे आके बैठ गए। अब इस वक्त की स्थिति यह है कि चीनी सेना फिंगर फोर पे आके बैठ गई, और साधारण तौर पे भारत की सेना फिंगर एट तक गश्त करती है, लेकिन इस वक्त जब हमारी सेना गश्त करने की कोशिश करती है, तो चीनी हमें इसके आगे जाने नहीं दे रहे। अब देखना यह है कि दुश्मन को आखिरकार चाहिए क्या, क्या वो वापस जाएगा या फिर यहीं बना रहेगा। इस स्थिति पे हमारी पूरी नजर बनी हुई, और हमारी कोशिश यह थी कि इस नक्शे के जरिए हम समझाएं आपको कि दरअसल फिलहाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चल क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।